श्री राम, जय वीर हनुमान। मेरे भक्तिमय भाइयों और प्यारी बहनों, आपको बहुत बहुत प्रेम से नमस्कार। राम भक्त, संकट मोचन, बजरंग बली, पवन पुत्र, केसरी नंदन, आज नए आदि नामों से प्रसिद्ध है हमारे वीर हनुमान। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा का पाठ बजरंग बली के भक्तों में अत्यंत लोकप्रिय है। हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, व्याधियों से छुटकारा मिलता है, असंभव कार्य भी सुगम होने लगते हैं। भयंकर से भयंकर तंत्र, मंत्र, भूत प्रेत इसके सामने टिक नहीं पाते। यदि आप पर शनि की साढ़सती भी है तो उसके प्रभावों से भी बचना है तो नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ कि रट्टू तोते की तरह से सिर्फ रटते मत जाइएगा। उसको यदि आप अर्थ समझकर हनुमान जी का, राम जी का गुणगान करते हैं तो इसका फल सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। इसको चालीसा कहा जाता है क्योंकि इसमें 40 चौपाइयां हैं और शुरुआत होती है दोहे से और अंत होता है दोहे से, जिसमें हनुमान जी का गुणगान है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। श्री गुरु के चरण कमलों के धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करता हूँ और फिर श्री राम के गुणों का वर्णन करता हूँ। इसमें कितनी अच्छी उपमा दी गई है कि श्री गुरु जी के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण, क्योंकि दर्पण जब तक साफ नहीं होता तब तक उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। दिखेगा तब जब मेरा मन साफ होगा, मुझ में बुराइयां खत्म हो जाएंगी। और ये चारों प्रकार के फल देने वाला है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम काम करें, पैसा कमाएं, लेकिन हम धर्म में खर्च करें, दूसरों की सेवा में भी खर्च करें तो ही मोक्ष प्राप्त होता है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मई हरो कलेश विकार। हे पवन पुत्र, मुझे बुद्धिहीन जानकर सुनिए, बल बुद्धि विद्या दीजिए और मेरे सभी क्लेश और विकार हर लीजिए। हनुमान जी अतुलित बलधाम हैं, बुद्धि के भंडार हैं। सुंदरकांड में जब लंका की तरफ जा रहे हैं सीता की खोज में, रास्ते में उनको राक्षसी सुरसा मिलती है। सुरसा कहती है मैं तुम्हें खा जाऊंगी। वो बड़ा शरीर कर लेते हैं। जब सुरसा भी बड़ा करती है तो वो छोटे से होकर उसके मुंह से निकल कर आ जाते हैं, उसकी बात भी रख देते हैं और खुद अपनी बात भी रख लेते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ज्ञान गुण के सागर हनुमान जी की जय हो। तीनों लोकों में अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले कपीस जी जय हो। धरती, आकाश, पताल सब आपकी कीर्ति से सुशोभित हो रहे हैं। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। है अतुलित बल के धाम रामदूत हनुमान, आप अंजनी पुत्र हैं और पवन सुत के नाम से संसार में जाने जाते हैं। एक कथा आती है कि माँ अंजना, जो हनुमान जी की माँ थी, पिछले जन्म में इंद्र के यहाँ पर अपसरा थी, चंचल स्वभाव की थी। ऋषि के आश्रम में चंचलता दिखाती है तो दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया था कि तुम वानरी बन जाओ क्योंकि तुम वानरों जैसी हरकतें करती हो। तब उन्होंने बहुत पुकारा तो ऋषि ने कहा कि तुम्हारे एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो पूरी दुनिया में तुम्हारा प्रताप फैलाएगा। वो पवन के सुत भी गिने जाते हैं। पवन देव ने माँ के कान में आकर कहा था कि तुम्हारा पुत्र बहुत महान बनेगा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवान सुमति के संगी। हे महावीर, आप वज्र के समान अंगों वाले हैं और अपने भक्तों की कुमति दूर करके उन्हें सुमति प्रदान करते हैं।
विवेकशील बनाते हैं। जो भक्त आपका ध्यान करता है उसमें सद्बुद्धि बानी रहती है। और बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगी, हनुमान चालीसा जरूर सिखाएं, उसका मीनिंग समझाएं। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। आपके स्वर्ण के समान कांतिवान शरीर पर सुंदर वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। आपके कानों में कुंडल और बाल कुंगराले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंजने उसाजे। आपने अपने हाथों में वज्र के समान कठोर गदा और ध्वजा धारण की है। कंधे पर मूंज और जनेऊ भी धारण किया हुआ है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंधन। आप भगवान शंकर के अवतार हैं और केसरी नंदन है। आप तेजस्वी और जगत में वंदनीय हैं। उनके पिता का नाम है केसरी। जब अंजना जंगल में थी तो उसने एक ऐसे पुरुष को देखा जो शेर के साथ लड़ रहा है। बहुत आकर्षित हुई, तब देखा वो वानर भी है और मनुष्य का रूप बना लेते हैं। तब उनका विवाह हो गया आपस में, इसीलिए हनुमान जी केसरी नंदन कहलाते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। आप विद्यावान गुणी और अत्यंत चतुर हैं। प्रभु श्री राम की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। सुंदरकांड में मिनाक पर्वत आपको विश्राम करने के लिए कहता है और आप कहते हैं राम काज कीने बिना मोहे कहां विश्राम। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप प्रभु श्री राम की कथा सुनने के लिए सदा ललायित रहते हैं। राम लक्ष्मण और सीता सदा आपके हृदय में विराजमान है। तुलसीदास को राम लखन के दर्शन आपने करवाए। जब आपने तोते के रूप में बताया चित्रकूट के घाट पर, भई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले रघुवीर। आपको प्रेत ने बताया कि जो पुरानी चादर ओढ़ के आपकी कथा सुनने आता है रोज, वो हनुमान है। तब आपने उनके चरण पकड़ लिए। सूक्ष्म रूप धरी सिए ही दिखावे, बिट रूप धरी लंक जरामा। आपने अति लघु रूप धारण करके सीता माता को दर्शन दिया और विकराल रूप धारण करके लंका को जलाया। आपको अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं। सीता माँ ने कहा अशोक वाटिका में कि राक्षस तो बहुत शक्तिशाली हैं, कैसे जीत पाओगे लंका को। आपने जला दिया विकराल दो रूप धारण करके। भीम रूप धरी असुर संघारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने विशाल रूप धारण करके असुरों का संहार किया और श्री राम के कार्य को पूर्ण किया। रावण के बेटे अक्षय कुमार को आपने मार डाला। लाए संजीवन लखन जीवाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। जब वैद्य की जरूरत थी तो आप लंका गए और घर समेत ही वैद्य सुखेन को लेकर आ गए। संजीवनी बूटी की जरूरत थी, पहचान नहीं पाए तो पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही उठाकर ले आए। और जिससे लक्ष्मण के जान बच गई, इस कार्य से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने आपको हृदय से लगाया। रघुपति की नी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा है हनुमान तुम मुझे भरत के समान ही अत्यंत प्रिय हो। सहस बदन तुम रोज सगावे, असकई श्रीपति कंठ लगावे। हजार मुख वाले शेष नाग तुम्हारे यश का गान करें, ऐसा कहकर श्री राम ने आपको गले से लगा दिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहां ते, कभी कुबिन कही सके कहां ते। हे हनुमान जी, आपके यशों का गान तो सनकादिक ऋषि ब्रह्मा और अन्य मुनिगण नारद सरस्वती के साथ शेषनाग यमराज कुबेर और समस्त दिगपाल भी करने में असमर्थ हैं। फिर विद्वान कमियों को तो कहना ही क्या। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने सुग्रीव पर उपकार किया, उन्हें राम से मिलाया और राजपद दिलवाया।
सुग्रीव के भाई बाली ने उनका राज्य छीन लिया, उनकी पत्नी रूमा को छीन लिया और उनको देश निकाला दे दिया, तब सुग्रीव का उद्धार आपने ही कराया। राम ने बाली को मार दिया और उसको राज्य मिल गया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपकी सलाह को मानकर विभीषण लंकेश्वर हुए, ये सारा संसार जानता है। आप सुंदरकांड में विभीषण से लंका में मिले और आपने जान लिया कि वो हमारा बन सकता है। जोग शस्त्र जो जन पर भानु, लीन्यो ताहि मधुर फल जानू। हे हनुमान जी, आपने बाल्यवस्था में हजारों योजन दूर स्थित सूर्य को मीठा फल जानकर खा रहे थे। तब राहु आते हैं और वो इंद्र से शिकायत करते हैं कि बीच में कौन आ गया, ग्रहण होना था। तब इंद्र ने आपकी ठोड़ी पर मारा, तब पवन देव ने सारी वायु बंद कर दी। असावे देवी देवताओं ने आपको मना कर अपने हथियार, अपने सारा बल आपको दिया। आप इसीलिए हनुमान कहलाते हैं। हमारे ऋषि मुनि इतना मैथ्स जानते थे, सूर्य ग्रहण के समय बता देते थे और समय की गणना बहुत तेज है, सूर्य धरती से कितनी दूर है तब बताया। युग का मतलब होता है 12,000 वर्ष, सहस्त्र का माने हजार और योजन का मतलब 8 माइल। सबको गुना किया जाए तो ये 96 मिलियन माइल्स होता है और 1 माइल में होता है 1.6 किलोमीटर, जो बनता है 15,36,00,000 किलोमीटर। नासा ने भी यही बताया, 15,00,00,000 किलोमीटर दूर है धरती से सूर्य। आज जो नासा बता रहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने पुराना बहुत पहले बता दिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। आपने भगवान राम की अंगूठी अपने मुख में रख ली और समुद्र को लांग गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इसी अंगूठी से आपको सीता माँ ने पहचाना। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। संसार में जितना भी दुर्गम कार्य है वे आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, ओतना गया बिन पैसारे। भगवान राम के द्वारपाल आप ही हैं, आपकी आज्ञा के बिना उनके दरबार में प्रवेश नहीं मिल सकता। यदि राम को पाना है तो पहले हनुमान को मनाना होगा। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आए हुए सबको सुख मिल जाता है। आप जिसके रक्षक हैं उसे किसी का डर नहीं है। हनुमान जी आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। हे महावीर, अपने तेज के बल को स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपके एक ओंकार से तीनों लोक कांपते हैं। एक बार बाली को बहुत अहंकार हो गया, अब वो शोर मचा रहा था जंगल में और हनुमान जी ध्यान कर रहे थे। हनुमान जी ने उसे रोका तो और ज्यादा करने लग गया। आपस में चैलेंज हो गया कि चलो लड़कर देखते हैं। अगले दिन का समय फिक्स हुआ। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को कहा कि तुम सिर्फ अपना 10वां हिस्सा बल लेकर जाना। हनुमान जी 10वां हिस्सा बल लेकर गए। बाली को वरदान था कि उसको दूसरों का आधा बल मिल जाता है। जब हनुमान जी का बल उसमें जाने लगा, उसका शरीर फटने लगा, गर्मी से तंग आ गया, भाग गया। तब ब्रह्मा जी ने उसका समझाया कि हनुमान का मुकाबला तुम नहीं कर सकते, हनुमान तो अतुलित बलधाम है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपका नाम मात्र लेने से भूत पिशाच भाग जाते हैं, नजदीक नहीं आते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी के नाम का निरंतर जप करने से सभी प्रकार के रोग और पीड़ा नष्ट हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान चोलावे। जो भी मन कर्म वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है वो संकटों से बच जाता है। लेकिन संकटों से बचेगा वो जो मन कर्म और वचन से शुद्ध होगा, शुद्ध होकर हनुमान जी का ध्यान करेगा।
सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। जो राम स्वयं भगवान है, उनके भी समस्त कार्यों का संपादन आपने किया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। हे हनुमान जी, अब भक्तों के सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करते हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हे हनुमान जी, आपके नाम का प्रताप चारों युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में है। सतयुग में आप माँ के साथ हैं। हमने जब माँ को बुलाना होता है, हम कहते हैं लेके आ माँ लंगर वीरा। त्रेता में आप राम के साथ हैं। द्वापर में अर्जुन के रथ पर जब कृष्ण बैठे हैं, तो झंडे में आप फहरा रहे हैं। कलयुग में तो आप जीवित देवता हैं। हनुमान जी के जितने मंदिर दुनिया में हैं, उतने किसी और देवी देवता के नहीं हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संतों के रखवाले, असुरों का संहार करने वाले प्रभु श्री राम के अत्यंत प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपको जानकी माता ने वरदान दिया है कि आप अष्ट सिद्धियां और पूरी दुनिया की नौ निधियां आप वरदान में दे सकते हैं। आप इनके प्रदाता हैं। और अष्ट सिद्धियां यही हैं, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकंप्य, ईशित और विशीत। आप किसी पे वश कर सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, सब आप में है। और आप दूसरों को भी ये दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप अनंत काल से प्रभु श्री राम के भक्त हैं। राम नाम की औषधि सदैव आपके पास रहती है। राम नाम बहुत बड़ी औषधि है, जो सब व्याधियों को खत्म कर देती है। वो आपके पास है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपकी भक्ति से जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्ति देने वाली श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय में मृत्यु के बाद भगवान के लोक में जाता है, और जन्म लेने पर हरि भक्त बनता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमंत से ही सर्व सुख करई। किसी और की देवता की पूजा ना भी हो पाए, तो सिर्फ आपकी कृपा से सभी प्रकार के फल मिल जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। जो भी व्यक्ति हनुमान जी का ध्यान करता है, उसके सब प्रकार के संकट पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ए हनुमान गोसाई, आपकी जय हो। आप मुझ पर गुरुदेव के समान कृपा करें। आप मेरे गुरु बनिए, मुझे रास्ता दिखाइए और प्रभु प्राप्ति कराइए। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदे महा सुख होई। जो इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे महान सुख की प्राप्ति होती है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे निश्चित ही सिद्धियां प्राप्त होती है। इसके साक्षी स्वयं गौरी के पति भगवान शिव हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। हे हनुमान जी, तुलसीदास सदैव प्रभु श्री राम का भक्त है, ऐसा समझकर मेरे हृदय में विराजमान हो। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप। हे मंगल मूर्ति, पवन सुत हनुमान जी, आप मेरे हृदय में राम लखन सीता सहित निवास कीजिए, जैसे वो आपके हृदय में रहते हैं। कहते हैं कि जब लंका से वापस आए, राम ने राज तिलक के बाद सबको गिफ्ट दिए, हनुमान जी को नहीं दिया, क्योंकि उनका कोई मुकाबला नहीं। उनकी गुणगान करने में श्री राम ही असमर्थ हैं। तब सीता माँ ने उन्हें अपनी माला उतार कर दी। वो पत्थरों को तोड़ने लगे, उनके लिए वो पत्थर थे। सबने मजाक बनाया कि ये क्या कर रहे हो। उनका मैं देख रहा हूँ, क्या इसमें सीता राम लक्ष्मण हैं?
सबने कहा फिर तुम्हारे अंदर भी तो नहीं है, तो उन्हें अपना सीना चीर कर दिखा दिया और उसमें सीता राम लखन थे। ऐसे ही सीता राम लखन के साथ हनुमान जी मेरे हृदय में आप विराजमान हो, यही प्रार्थना है। और आप सब भी इसी तरीके से हनुमान जी को ध्यान कीजिए, आप सब पर खूब कृपा बरसेगी। राम हनुमान जी आप पर कृपा बरसाएं, सब सुखी हो, खुश रहें। जय।